गुड मॉर्निंग। फ्राइडे की डे की बात करें, उस दिन जो मार्केट जो था थोड़ा वोलेटाइल जरूर था, जिस तरह से एक प्रॉफिट बुकिंग आए थे कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास गए थे, वहीं से मार्केट ने रीबाउंड किया, वहीं से कुछ बाइंग इमर्ज होकर आई एंड जो क्लोजिंग हुई है एंड जिस तरह से मार्केट ने रिएक्ट किया उसमें डिफरेंस है। क्लोजिंग हुई है बिल्कुल फ्लैट, यानी सेंसेक्स की बात करें ग्रीन में आ चुका था, निफ्टी 50 की बात करें फ्लैट हुआ था एंड बैंक निफ्टी भी उस तरह से गिरावट नहीं दिखा, ऑलमोस्ट फ्लैट। मिड कैप एंड स्मॉल कैप में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई थी। इसके बाद बात करें इस वक्त की बात करें, एसजेक्ट निफ्टी आपको 190 के आसपास गिरावट नजर दिखा रहा है। वहीं बात करें निकाई की मार्केट 3.5% से ऊपर की इसमें प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। ताइवान के मार्केट में भी आपको गिरावट दिख रही है। अब ऐसे में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या हम निकाई की मार्केट को देखें, एशियन मार्केट जितने भी सबको देखें, क्या हम ये डिसाइड कर लें कि आज के दिन हम भी 3% से ज्यादा गिरने वाला है और निफ्टी सीधा 15,000 से नीचे या 15,000 के आसपास आने वाला है? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। हम जिस लेवल की बात करें ना, देखिए 15,900 हमने टच किया, वहां से 15,450 एक अच्छा करेक्शन आ चुका था जो एक आना भी चाहिए था। प्लस दूसरी बात क्या है, जिस लेवल पे हम अभी हैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करता है। ये कोई छोटे टाइम फ्रेम की बात नहीं कर रहा है, ये कर रहे थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे। क्यों? क्योंकि देखिए छोटे टाइम फ्रेम पे हमने देखा 15,600, 15,700, 800 सारे सपोर्ट थे, वो मार्केट ने उसको ब्रेक कर दिया। अभी लार्जर टाइम फ्रेम में बात करें, हायर हाईज हायर लोज की सीरीज दिख रही है, उसका हमें कंफर्मेशन इस वीक इस डे आजकल में ही मिल जाएगा। अब जिस लेवल पे अभी है ना, यहां पे सिर्फ हमें क्या करना है, अच्छे अच्छे जितने शेयर, सिर्फ अच्छे शेयर, कंडीशन यही है अच्छे शेयर को अच्छे लेवल पर ऑलरेडी मार्केट दे रहा है, सिर्फ उन्हें बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटजी यूज करनी है। क्योंकि ऐसा ना हो जो अगेन मार्केट अपट्रेंड की जर्नी शुरू करे उस वक्त हमें फोमो लगे या फिर हमें लगे कि यार मार्केट ने मौका दिया था हम ले नहीं पाए। क्योंकि जब मार्केट अपट्रेंड में होता है ना, उस वक्त हर कोई एक्सपर्ट बन ही जाता है, उस वक्त हमें किसी की एडवाइस चाहिए ही नहीं होता, ना कि एक्सपर्ट चाहिए, ना किसी का एडवाइस चाहिए, ना ही कोई एडवाइजर चाहिए होता। लेकिन जैसे ही मार्केट में कुछ हिकअप्स आना शुरू होते वहां पर होती हमें टेंशन, उसके बाद हम यहां वहां देखना शुरू करते थे। तो ऐसे टाइम में हमें सिर्फ पेशेंस रखना, अगर आपके पास कुछ है अदरवाइज कुछ ले सकते हैं तो ये अच्छे लेवल पे, कंडीशन वही है कि अच्छे शेयर ही उठा, अदरवाइज ऐसे टेंशन की कोई बात हो है नहीं। तो हमारे लिए सपोर्ट की बात वही है जो हमने रिसेंट मैंने परसों फ्राइडे के दिन टच किया था, 15,450 का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। अगर मॉर्निंग फर्स्ट आप में कोई डिप आता है आज के दिन तो डेफिनेटली यहां पे एक एक्युमुलेशन जोन होगा एंड इसी तरह से मार्केट बढ़ता है। जब भी बिल्कुल अपने लोज के आसपास होता है वहां से एक बाउंस आता है, अगेन उसको टेस्ट करने की कोशिश करता है, जैसे कि हमने पहले देखा था पिछले लास्ट वीक में देखा था, मार्केट 800 के पास था, 15,800 एक डिप आया 600 के आसपास, 600 से फिर अगेन एक हायर आया 900 तक गया, उसके बाद फिर जाके नीचे आया। इस तरह से मतलब एक बार रीटेस्ट करता है अपने, जिस तरह से हो सकता है आज के दिन जो उसने लो लगाया था एक बार रीटेस्ट करेगा, उसके बाद हो सकता है ऊपर जाए। ये तो हमें, ये हमारा प्रिडिक्शन है। अब मार्केट एग्जैक्टली कैसे करता है वो तो हमें पता चल जाएगा आज के दिन में। इसके बाद अगर बात करें क्रूड ऑयल के अलावा, सारे के सारे आपको रेड निशान में दिख रहे हैं, क्रूड ऑयल में आपको तेजी दिख रही है आज के दिन। वहीं बात करें सारे के सारे करेंसी में, सभी जगह प्रॉफिट दिख रही है, यानी 73.86 ऑलमोस्ट 74 पहुंच चुके हैं, ऐसा लग रहा है कि 75 भी यूएसडी डॉलर एक बार टच कर सकता है। बात करें उसके बाद FIIs एंड DIIs के एक्शन के ऊपर, आप यहां देख सकते हो जिस दिन मार्केट में डिप आए थे किसने खरीदा है, आप यहां क्लियरली चेकआउट कर सकते हो। FIIs एंड DIIs को अच्छे शेयर अच्छे लेवल पे मिले, उन्होंने डेफिनेटली यहां पे बाय किया। हमें भी वही किस तरह से स्ट्रेटजी यूज करनी, क्या वही करनी है, वो हमारा पर्सनल इंडिविजुअल वे हो सकता है। इसके बाद बात करें ना, जब भी मार्केट अपने टॉप के आसपास होता है, नियर टर्म के टॉप के आसपास ही होता है, तब वहां आप देखोगे बहुत सारे बल्क डील या फिर ब्लॉक डील आपको होते हुए दिखेंगे, जैसे कि हमने लास्ट वीक देखा था SBI कार्ड में। SBI कार्ड के अलावा उसके ऊपर ऑलरेडी डिटेल वीडियो आ चुका है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ बल्क डील हुए थे जो हमारे जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे सबसे एक और हुई थी, सबसे पहले बात करें कैंप्स की बात करें, कैंप्स में क्या हुआ था कि जैसे एक वैनगार्ड ग्रुप है, उन्होंने रफली कुछ बात करें जो उन्होंने कुछ शेयर खरीदे हैं, शेयर एट द प्राइस ऑफ 2781 के आसपास, जो हम जानते हैं एक शेयर एक बेहतरीन शेयर है, एक मोनोपोली शेयर है कैंप्स की बात करें। तो उन्होंने रफली जो शेयर खरीदे हैं 348311 इक्विटी शेयर उन्होंने खरीदे हैं एंड तो इससे आप नजर रख सकते हो, बड़ा ही शानदार शेयर रहता है, हमेशा रडार पर रहता है। इस चैनल पर कई दफा डिस्कस हुआ है, 2100 के लेवल से डिस्कस हो चुका, अभी आपको 2700 प्लस मिला, ऑलमोस्ट 2800 के आसपास। दूसरा जो हुआ था ना बल्क डील, वो होता है KNR कंस्ट्रक्शन में, इसके जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने कुछ शेयर रफली बेचे हैं, जितने भी प्रमोटर हैं मिलकर बेचे हैं, रफली 40 लाख शेयर उन्होंने बेचे हैं, परसेंटेज के बात में करें 1.4% उन्होंने बेचे हैं। एंड अगर इन्होंने बेचे हैं तो डेफिनेटली किसी ने खरीदे हैं, जो प्राइस पे बेचे हैं ना 223 के आसपास। SBI म्यूचुअल फंड पिक्ड 1.69, मतलब इन्होंने 1.4 बेचे और 1.69 SBI ने उन्होंने खरीद लिए, ये आपको डेटा में दिखाई दे रहा है।
इसके बाद बल्क डील तो हमने कवर कर लिया, रिजल्ट किसके आने हैं आप यहां देख सकते हो, ऑयल इंडिया, भारत डायनेमिक, इन्फो एज, यानी कि एक बेहतरीन कंपनी के रिजल्ट आने हैं 21 को, इसके ऊपर नजर तो रख ही सकते हैं, वरना इसके ऊपर तो हमने बहुत ही बातें की हुई आप जानते हैं। ये है सारे जिनके रिजल्ट आज के दिन आने हैं, आप इन्हें चेकआउट कर सकते हैं। इनके बाद जिनमें न्यूज है, सबसे पहला था एनटीपीसी, एनटीपीसी के रिजल्ट आए थे क्वार्टर फोर के, एंड जो रिजल्ट आए बड़े ही बेहतरीन आए। पिछले साल कंपनी जो पोस्ट के थे 1,629 CR और अभी जो है 4,649 CR, आप यहां क्लियरली चेकआउट कर सकते हैं, अच्छी जंप है। पावर सेक्टर ने बड़ा ही अच्छा काम किया, हमने ऑलरेडी हम इस चैनल पर कई दफा डिस्कस कर चुके हैं, पावर सेक्टर फोकस में आ चुका है, ऑलमोस्ट उसको 1.5 महीने होने आ चुके हैं, तब से सेक्टर भी अच्छा कर रहा है, प्लस हमें नंबर्स भी अच्छे बता रहे हैं। उसके बाद जो न्यूज है बेल में, यानी BHEL में, क्रिसिल, जैसे कि हम जानते हैं क्वार्टर फोर के जिस तरह रिजल्ट आता है उसी तरह से जो एजेंसीज होते हैं वो रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होते हैं, वो भी कंपनी के बिहेवियर, कंपनी के फंडामेंटल, कंपनी के जो ग्रोथ और फ्यूचर इकोनॉमी, ये सारी चीजों को देखते हुए कंपनी को जो रेटिंग देते हैं क्वार्टरली बेसिस पे, सिक्स मंथ बेसिस पे, तो यहां पर इन्होंने जो उन्होंने दिया है वो क्रेडिट रेटिंग AA नेगेटिव दिया है, फ्रॉम AA नेगेटिव, तो इस तरह से इसके ऊपर आप देखते हैं किस तरह से मार्केट इसको लेता है। उसके बाद जो न्यूज निकल के आ रही है सेम है क्या कि सेम है ICICI बैंक के ऊपर, अगेन जो रेटिंग दी है ग्लोबल रेटिंग एजेंसी S&P, वहां दिया था दूसरों ने, ये दूसरे क्रेडिट एजेंसी ने, यहां दूसरा, यानी S&P ने जो दिया है, पहले जो था इसका जो आउटलुक रखा था नेगेटिव था ICICI बैंक के ऊपर, अभी जो नेगेटिव से स्टेबल है, किस चीज को देखते हुए कि जो बैंक कैपिटलाइजेशन है विल रिमेन स्ट्रांग ओवर द नेक्स्ट 24 मंथ्स, तो इस चीज को देखते हुए जिस तरह से परफॉर्म कर रहा है या फिर रिजल्ट पोस्ट कर रहा है, ये सब देखते हुए जो कंपनी ने इस बार भी रिजल्ट अच्छे पोस्ट किए थे तो उसको स्टेबल लुक दिया है। इसके बाद जो न्यूज निकल के आया था हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशन, कंपनी रिपोर्टेड शार्पली हायर कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, आप यहां देख सकते हो 130 CR के आसपास किया, जो पहले था 44 CR, यानी वहां से देखो किस तरह से मल्टीफोल्ड हो चुका है इस बार का इसका रिजल्ट। वही बात करो रेवेन्यू भी जंप हुआ। अगली जो न्यूज निकल के आ रही है और ये मॉर्निंग अपडेट का होगा आखिरी, वायकॉम 18 एंड जी एंटरटेनमेंट इन अर्ली मर्जर टॉक, यानी दोनों कंपनी मर्जर की बात कर रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं वायकॉम 18 मीडिया द ओनर ऑफ कलर, हम जानते हैं कलर चैनल, जनरल एंटरटेनमेंट, और ये हो गया, और दूसरे जो जी एंटरटेनमेंट के जो मालिक हैं सुभाष चंद्र जी, उन दोनों के ग्रुप यानी मर्ज होने की बातचीत चल रही है। अगर ऐसा होता तो डेफिनेटली इनके लिए अच्छी बात हो जाती है, तो जी के ऊपर भी आप नजर रख सकते हो। चलिए मॉर्निंग अपडेट में इतना ही, शायद आपको ये चीजें अच्छी लगेंगी जो भी न्यूज हमने शेयर किया। तब तक आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को आप एग्जिट करें ना इससे पहले एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि वहां आपको टेलीग्राम का लिंक एंड प्राइवेट चैनल का लिंक या प्रोसेस सब कुछ मिल जाएगा, एक बार जरूर देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।